Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। अगले 4 महीने बाद हम दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। अपना वो वक्त कायम रहा और ना ही हमारा रिश्ता। सब कुछ बदल जाए। हाँ मान, लेकिन उन दिनों की यादें हमारे दिल में हमेशा के लिए ताजा रहेंगी। चाहे हम कहीं भी हो, किस भी हाल में हो, लेकिन यादों के जरिए हम हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, है ना? तेरे लिए हम हैं जी, होठों को सी दिल में मगर जलते रहे चाहत के दिए तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए हम भेजे हर आंसू पिए, तेरे जलते रहे चाहते के तेरे लिए, तेरे लिए। लेके आई है बीते दिनों की किताब, जिंदगी लेके आई है बीते दिनों की किताब, घेरे हैं अब हमें यादें बेहिसाब, जलते रहे चाहत के दिए तेरे लिए, तेरे लिए। हाँ वैशु बोल। ताई, आई की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई है। आई की तबीयत? लेकिन मैं अभी तो आई के घर से आ रही हूँ, मुझे आई ने कुछ नहीं बताया। ताई, तू आई को जानती है ना, वो अपनी सेहत से ज्यादा अपनी बेटी की परेशानी के बारे में सोचती है। तुझे चिंता ना हो, शायद इसलिए तुझे उसने नहीं बताया। अच्छा मुद्दे की बात सुन, इस वक्त हम में से किसी एक का होना उसके पास बहुत जरूरी है। वैसे मैं चली जाती, लेकिन अभी मुझे एक फंक्शन के लिए निकलना है। वैसे मैंने अनिकेत को भेज दिया है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं अभी आई के घर जाती हूँ। ठीक है? ठीक है। इसे क्या करती है आई? ओवी, यहाँ क्यों खड़ी है? आ जा अंदर आ। आजी, I'm so sorry, मैं ऐसे बिन बुलाए आ गई, पर आप तो जानते नहीं ये तेजू। अरे मैंने उसी दिन कहा था ये तेरा भी घर है। आजी के साथ ना कोई फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है, ये तुझे भी उतना ही प्यार करेंगे जितना मुझे करती है ना आजी। देखा मैंने कहा था ना। चल। अरे आजी, आजी मेरा हैंड सैनिटाइजर खत्म हो गया, अब मुझे मार्केट जाना पड़ेगा। अरे डोंट वरी, मेरे पास एक्स्ट्रा सैनिटाइजर है। ओह थैंक यू सो मच, थैंक गॉड तुम्हारे पास। वैसे तुम कौन हो? मोटू,
याद है एक बार मैंने तुझसे कहा था कि तू अकेला ही नहीं है इस दुनिया में, तेरे जैसा एक और सैंपल भगवान ने बनाया है। आज मैं तुझे उससे मिलवाना चाहती हूँ। ये है वो सैंपल। मीट माय सिस्टर ओवी। लिसन, शी इज नॉट सैंपल, शी इज इंटेलिजेंट। हेलो हेलो। कांदे पोहे। ओवी, अगर तू एक बार पूर्वी के हाथ के कांदे पोहे खाएगी ना तो तू खाती रह जाएगी। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, प्लीज डू नॉट ईट दैट। ये लोग पता है इतना ज्यादा तेल डालते हैं उसमें कि पता नहीं कितनी ज्यादा कैलोरीज होंगी उसमें। कैलोरीज? यस। चिल कर बैठ। मोटे, तुझे नहीं लगता तू बहुत ज्यादा बोलता है और आज कुछ ज्यादा ही बोल रहा है? समझान बैठ गया। बैठ जा यहां। तू चिंता बिल्कुल मत कर, मैंने पूर्वी को पहले ही बोल दिया है कि पोहे में तेल कम डालना। आजकल मैं भी तेल कम ही खाती हूँ। वैसे एक बात बता निकित, तू बात तो बहुत करता है मैं बड़ा डाइट कॉन्शियस हूँ, कैलोरीज ये वो, लेकिन तू मुझे ना कहीं से कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। यू नो, चारों तरफ से तो तू फैला हुआ है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आई मीन, तो यू नो, मुझे देख, मैं सब खाती हूँ एकदम मस्त और बिंदास हो के। नहीं प्लीज, मैं तेरी तरह रास्ते का बड़ा पानी खा सकती हूँ। सो अनहाइजीनिक। अरे वाह, यू नो व्हाट, काफी समय बाद मुझे कोई ऐसा मिला है जिससे जिससे मैं बात कर सकता हूँ जो मेरे जैसा है। बाय द वे, व्हाट यू डू? मैं मॉडलिंग कर रही हूँ। सब बच्चे एक दूसरे के साथ कितने खुश हैं। काश मेरी अर्चना यहाँ होती और अपने दोनों बेटियों को अपने घर में हंसते खेलते हुए देख पाती। ओवी, तू जाके जरा दरवाजा खोल ना। अरे इसे क्यों कह रही? मैं देखती हूँ। नहीं आजी, आप बैठिए, मैं ही खोलती हूँ। ये तो ऐसे ही है, जाने दो ना, ऐसे कुछ काम वाम करने दो। तू भी कमाल करती है ना दरवाजा, आजी छोड़ो ना। अरे आंटी आप, क्या हुआ आंटी? अच्छा हुआ आप आ गई, आइए ना अंदर चलिए। ओवी मैम, वो आप यहाँ कैसे? वो तेजू मुझे यहाँ ले आई। तेजू? अच्छा, तो इसी बात पे गर्म गर्म अदरक वाली चाय हो जाए कांदे पोहे के साथ, और वो भी आंटी के हाथ की। क्यों आंटी? हाँ मैं अभी बनाती हूँ, आप बैठिए मैं बनाती हूँ। ओके ओके। अरे अर्चुरु, मैं भी आती हूँ तेरे साथ। नहीं नहीं आई, मैं सब कर लूंगी, तू आराम कर, तेरी तबीयत खराब है ना। अरे बच्चे आ गए ना, अब मुझे अच्छा लगने लगा है, चल मैं आती हूँ। अच्छा ठीक है, आ जा। देख रही है बच्चे कितने घुल मिल गए हैं ना। ओवी को और देश को तो मालूम भी नहीं है कि पूर्वी और अनिकेत उनके भाई बहन हैं। फिर भी देख, एक साथ कितने घुल मिल गए। काश हम सब लोग एक साथ रह रहे होते तो ये रिश्ता और भी सुंदर होता ना। भाई अगर मेरे से हमारी जिंदगी नहीं चलती, जो जैसा सामने आता है बस हमें वो एक्सेप्ट करना होता है। भाई लेकिन एक बात कहूँ, भाई मुझे अपने बच्चों को देखकर बहुत खुशी मिली। तीनों को देखकर ऐसा लग रहा है ना कितने समझदार है। सबसे ज्यादा समझदार तो मेरी पूर्वी है। मैंने उससे कहा था कि तेजो और ओवी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उनकी आई हूँ, और उसने ऐसे ही होने दी। सही कह रही तू, हमारी पूर्वी बहुत ही समझदार है। अच्छा है, अब तू बाहर जा, मैं सब कुछ लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं तो यहाँ तेरे साथ ही ठीक हूँ, वैसे ज्यादा जरूरत तुझे है उनके साथ समय बिताने। जा तू जा, मैं देखती हूँ यहाँ पर। तू उनकी आजी नहीं है क्या? तेरा भी तो हक बनता है। जा बाहर, मैं आती हूँ। आई जा ना, तू भी जल्दी आ। हाँ मैं आती हूँ, चल। हाँ और नेक्स्ट मंथ मेरे दो फैशन शोज भी है, एक लंदन में और एक पेरिस में। हाँ दादा बोलिए। आई हूँ। कैसी है तू? मैं तुझे और अर्जुन को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? नहीं दादा, मेरी डेट तो स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो गई। मतलब अर्जुन को किसी जरूरी काम से बाहर जाना। ओ, तो तू अभी कहाँ है? अपने होटल में?
नहीं नहीं दादा, ये तेजू है ना इडियट, ये मुझे खींच के ले आई है। तो तू तेजू के साथ? हाँ दादा। कहाँ पे? तेजू जिन लोगों Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।